हेलो, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो लोगों को स्ट्रेस है तो उन्होंने कैसा खुद को असेस करना, या हम स्ट्रेस या तनाव के भीतर है या उसके नीचे है, या तनाव हमको बहुत ज्यादा है, या कैसा मालूम कर लेना। तो कुछ ऐसे लक्षण है या अपने आप को मालूम पड़ेगा कि मुझे तनाव आ रहा कि नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप खुद असेस कर सकेंगे, खुद का परीक्षण कर सकते हैं और खुद का परीक्षण करके मालूम कर सकते हैं, या फिर औरों का परीक्षण करके मालूम कर सकते हैं कि यह व्यक्ति तनाव में है या नहीं है। तो उसमें कोई सवाल है, वो खुद ने खुद को पूछने का है। सवाल ऐसे है कि नंबर एक, जैसा नंबर एक कि मैं बहुत कठिन परिस्थिति में हूं और मुझे भी रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा लगना, मेरे में बहुत कुछ बुराई है और मेरे में अच्छापन नहीं है, ऐसा लगना। फिर नए आदमियों के साथ में बातचीत करने के लिए कचराना, मतलब आगे पीछे करना या आत्मविश्वास नहीं रहना, लोग क्या कहेंगे इसके लिए मैं मेरा मत किसी के सामने नहीं बोलना, लोगों की इच्छा का मान सम्मान रखकर फिर मैंने मेरी जो इच्छा है उसको दबा देने का है, मेरी समस्या के बारे में मैं लोगों के साथ में सीधी बातचीत नहीं कर सकता, मेरा कहना जो मेरी समस्या जो है मैं लोगों के सामने बोलता नहीं हूं, तब अपयश आ जाएगा। ये चिंता से फिर मैं आखिरी समय तक मेरा काम रुका देता हूं, तब कोई कठिन परिस्थिति रही तो मैं बहुत डर जाता हूं, तब फिर भविष्य की मुझे चिंता लगी रहती है और फिर उसमें मैं मेरा टाइम पास कर रहा हूं कि भविष्य में क्या होगा उसके बारे में सोच रहा हूं और मेरा समय काफी उसमें बिता रहा हूं, तब मुझे आंसू जल्दी आ जाते हैं, जल्दी मैं रो लेता हूं या मुझे बहुत जल्दी भावना विवश हो जाता हूं, तब जब लक्ष्य पूर्ति होती नहीं है, जब यश मिलता नहीं है तो मेरी मानसिक अवस्था बहुत बेचैनी जैसी हो जाती है, तब आराम करना मुझे बहुत कठिन लगता है, मैं आराम नहीं कर सकता है या मुझे समय नहीं है आराम के लिए, ऐसा मुझे लगता है, तब तान तनाव जब जहां रहेगा ऐसा मुझे लगता है तो वो परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं आगे जाता नहीं हूं, तब मेरे खुद के लिए मुझे समय निकालना कठिन हो जाता है, मैं खुद के लिए समय देता नहीं हूं, तब पैसों के बारे में जब मुझे बहुत चिंता है, तब मेरे बच्चे मुझे उल्टे जवाब देते हैं या मेरे से बराबर बर्ताव करते नहीं है, तब आपके फैमिली को समय देते नहीं है इसलिए वो नाराजगी बताते हैं, तब आपके दोस्तों के साथ में मिलते नहीं और दोस्त बोलते हैं क्यों आजकल तुम मिलते नहीं हो, तब मतलब ये परिस्थिति है, इसमें भाई आप तनाव के परिस्थिति में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि तनाव है करके, तो अपने आप को देखना है कि भाई ये जो मैं बता रहा हूं ये परिस्थितियां है क्या, ये मेरे लिए वास्तव में है क्या, ये सच्चाई है क्या मेरे लिए। आगे का बताता हूं, लोग मेरा फायदा उठाते हैं ऐसा मुझे लगता है, तब मुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत जोर लगा के काम करना पड़ता है, तब मैं ज्यादा काम करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रिजल्ट्स और चाहिए और बहुत ज्यादा मैं काम करता हूं, जो समय है वो समय का मतलब समय के घंटे जो जितने हैं काम करने के उससे ज्यादा मैं काम करता हूं, मेरे काम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि मेरे काम पूरे होते नहीं है और बहुत पेंडिंग वर्क है मेरे लिए, तब मुझे ऐसा लगता है कि काम करने का बहुत मुझे अभी बहुत प्रेशर आ रहा है या अभी ऐसा नर्वसनेस आ रहा है, काम करना ही नहीं ऐसा मुझे लगता है, तब काम करने के लिए मेरा समय मुझे बहुत कम पड़ता है और मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर स्ट्रेस लगाना पड़ता है, तान तनाव लेना पड़ता है, लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आगे टाइम लेना पड़ता है, तब मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करता हूं, तब मैं दो चार काम एक साथ करने के लिए कोशिश करता हूं, तब कि बहुत सारे काम, ये भी काम करो वो भी काम करो वो भी काम करो, ऐसा मैं मेरा बोलना और काम करना जो है वो बहुत स्पीड से करता हूं, है ना, फास्ट करता हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय है ना बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, तब काम पे पहुंचने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है, जहां मैं जाता हूं काम पे मुझे टाइम लगता है, तब मैं खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लेता हूं, मैं कोई भी काम खाते खाते करता हूं, तब मुझे हरदम
सर्दी जुकाम खांसी होती रहती है, तब मैं सिगरेट या तंबाकू का सेवन करता हूं, तो मैं मेडिटेशन के लिए, सम्मोहन के लिए या कोई एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकाल सकता हूं, तब मेरे दिनचर्या में परिश्रम का काम बहुत कम है, टेबल वर्क ज्यादा है, तब और ज्यादा काम होने से मुझे थकान आती है और मेरी सेक्स की इच्छा जो है, लैंगिक इच्छा, वो कम हो जाती है, तब तो ऐसे जो परिस्थिति है, तो समझ जाना कि अपन काम के लिए, मतलब स्ट्रेस आने के लिए अपन बहुत ऐसे वो बॉर्डर पे है ना, कि कभी भी, मतलब इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेस आ सकता है कभी भी, और स्ट्रेस तो आ ही रहा है, कभी भी आ सकता नहीं, स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं आप और उसके प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, जैसा हमने देखा पहले कैसेट में, इसके पहले वाले वीडियोस में, कि स्ट्रेस आने से एंजाइटी, मतलब चिंता रोग, डिप्रेशन वो आता है, फिर ऑब्सेशन, मतलब ये जो मंत्र चढ़ाएपना जो है उसकी बीमारी होती है, हिस्टेरिया होता है, काफी सारी मनोशारीरिक बीमारियां होती रहती है, लाइक डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है ना, दमे की बीमारी है, या हेडेक्स है, माइग्रेन है, ऐसे काफी सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से होती रहती है। तो समझो ये जो मैंने अभी बताया, ये चीजें आपको हो रही है या इसमें आप आपका मतलब बर्ताव कर रहे हो, बिहेवियर है, तो आपने सतर्क होना जरूरी है। आप तनाव में है ऐसा समझने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं कि आप तनाव में काम कर रहे हैं, और भी कुछ चीजें वो आपको बताता हूं, क्योंकि आप एखादी चीज घर में लाते हो और वो खराब निकली तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, तो आपको कहां कहां गुस्सा आता है छोटी छोटी बात के ऊपर वो आपको बताता हूं, और जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा, तो समझना कि आप स्ट्रेस में हो, इसलिए आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातें रहती है रोज अपने जीवन की, तो आप कोई चीज घर में लाते हो, खरीद के लाते हो, घर में आने के बाद में वो खराब निकली, आप बहुत गुस्सा कर लेते हो, तब फिर एखादे व्यक्ति ने आपको काम करने के लिए बहुत ज्यादा कीमत मांग लिया, बहुत ज्यादा पैसा मांग लिया और आप बहुत गुस्सा कर लिया, तब फिर गलती बहुत सारे लोगों ने किया और आपको ही पूछा कि आपने ये ऐसा क्यों किया, आपको जवाब पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, आपको बहुत ही गुस्सा आ गया, तब आपकी गाड़ी कहीं फंस गई है और आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, तब आप चाय लेके जा रहे हो, चार कप किसी ने धक्का दे दिया और चाय आपके शर्ट के ऊपर गिर गया और आप बहुत नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गया आपको, तब आपको किसी ने धक्का दे दिया, कोई चीज नीचे गिर गई और उसने उठाया भी नहीं, तब आपको किसने समय दिया मिलने का और वो व्यक्ति वो समय पे आया नहीं और आपको बहुत गुस्सा आ गया, तब आपकी गाड़ी बंद हो गई और किसने पीछे से बहुत जोर जोर से हॉर्न दिया, तब आपने किसको किताब दिया या कोई चीज दिया और उसने वो समय पे वापस नहीं लौटाया, तब आप गाड़ी चला रहे और किसी ने आपको ओवरटेक किया, पीछे से आया और आपको बोला कि आपको गाड़ी चलाना आता कि नहीं आता, ऐसा किसने कमेंट्स पास कर दिया, तो ये सारी चीजें होती है कि आपको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और एकदम ब्लास्ट बम्बार्डिंग हो जाता है, तो मतलब आप बहुत ही तनाव के नीचे, मतलब जैसे वो आगपेटी की तिल्ली, मतलब इतना काड़ी तिल्ली लगी हुई रहती है कि वो बस घासलेट विसलेट डाल के रखा हुआ है, बस थोड़ा सा आपने घर्षण कर दिया तो अंगार लग गई, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। यदि आप मेडिटेशन, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, सम्मोहन उपचार यदि आप करते हो रेगुलरली, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, तो स्ट्रेस से आपको बहुत अच्छा छुटकारा मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।